हमारे परम पूज्य परम ही आदर के पात्र परम श्रद्धे हमारे संस्कृति के परम संरक्षक शंकराचार्य जी का जन्म प्रकटोत्सव है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हमारे शास्त्र नित्य है, वेद नित्य है, उपनिषद नित्य है, लेकिन ये लुप्त हो जाते हैं। जैसे अग्नि लुप्त हो जाती है तो उसको पुनः प्रकट करना होता है, अग्नि बुझ जाती है तो उसको जन्म नहीं देना होता है, प्रकट करना होता है। ऐसे काल के प्रभाव से हमारे जो शास्त्र वेद उपनिषद और पुराण वो लुप्त हो जाते हैं, तो उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान ही अवतार लेते हैं और ऋषिगण ही अवतार लेते हैं, ऐसा कहा गया है। तो सप्त ऋषि जिनको दायित्व सौंपा गया है अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, वो अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं और धर्म की रक्षा का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब विकट स्थिति आ जाती है तब स्वयं भगवान ही अवतार लेते हैं। तो साक्षात भगवान कृष्ण वेद व्यास जी के रूप में अवतरित हुए और शंकर जी शंकराचार्य जी के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने हमारी जो श्रुति थी वेद जो हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं, हम लोग संसार में रहते हैं और उसे पार होना चाहते हैं। संसार हमको कभी चिंता में डालना चाहता है, कभी दुख में डालना चाहता है, कभी भय में डालना चाहता है और हम उससे बचना चाहते हैं, लेकिन सारे उपाय करते हैं फिर भी चिंता आ ही जाती है, दुख आ ही जाता है, भय आ ही जाते हैं, उससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिलता, सही उपाय नहीं मिलता। हम सभी लोग प्रयत्नशील रहते हैं कि हमें हिंसा के लिए इनसे मुक्ति मिल जाए, तो उसके लिए मार्गदर्शन देते हमारे श्रुति साफ होते और उनके अर्थ को समझाने के लिए पर हमारे शंकराचार्य जी आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने उस पर भाष्य लिखे और जैसा कि बताया बहुत उनका बृहत कार्य है। उनके कार्य को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे, साक्षात भगवान के ही अवतार थे, शिव जी के अवतार थे। तो उनके जन्मोत्सव पर हम ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि आप सभी लोग समय की सीमा को जान ही रहे हैं, तो हम सभी उनके जन्मोत्सव के ध्यान में रखते हुए उनका चिंतन करते हुए उनको नमन करते हैं कि उनका ज्ञान हम सबके हृदय में जागृत हो जाए, जिसके बल से इस संसार में रहकर लोगों की ही सेवा कर सकें, लोगों के हित में ही तत्पर हो सकें, सिर्फ अपने स्वार्थ में ही तल्लीन ना हो जाए। तो उनका ज्ञान उनका जीवन हमारे जीवन में आदर्श बन करके आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। हरिओम हरिओम।